हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक SMPS आया है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, आप देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए आउटपुट LED चालू हो रही है, बंद हो रही है एकदम माइक्रो सेकंड के लिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम साथ में मिलके चेक करते हैं। तो पहले मैं ये हमारा इसको बंद कर देता हूँ, बंद कर दिया। अभी कैपेसिटर चार्ज होगा, आप जब भी रिपेयर करें तो कैपेसिटर का खास ध्यान रखें। जैसे मैं देखा था वो अभी हमारा कैपेसिटर अच्छे से भरा हुआ होगा, तो उसी तरह पे हमारा कैपेसिटर ये रहा। हाँ, तो हमारा कैपेसिटर खाली हो गया है। कैपेसिटर खाली हो गया है, अभी हम चेक करते हैं। वैसे तो इसका फ्यूज सही है, मतलब इसके सेकेंडरी सेक्शन में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में जब प्रॉब्लम होता है तो 90% हमारा फ्यूज़ ब्लो हो जाता है। तो देखिए, देखो हमारा फ्यूज ओके है, और यहाँ एल लाइट चल रही थी तो फ्यूज़ ओके होगा, तभी यहाँ लाइट आ रही होगी। तो पीछे से चेक करते हैं, ये कैपेसिटर भी फूले हुए दिख रहे हैं, ये तीनों तीन फूले हुए दिख रहे हैं। तो कैपेसिटर की रीडिंग चेक करते हैं, अभी यहाँ तो कोई शॉर्टिंग दिखा नहीं रही है। और फिर हमारा ये ड्यूल डायोड चेक करते हैं, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रही। और एक बार कैपेसिटर निकाल के देखते हैं कि हमारी शॉर्टिंग जाती है या नहीं जाती। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ये मैं थोड़ा कैमरा ऊपर कर देता हूँ। ये मेरे पास पंप है, सोल्डरिंग पंप, उससे कैपेसिटर आसानी से निकल जाएंगे। एक का सोल्डर निकल दिया है, अभी दूसरे की बारी। अभी एक तीसरा भी बाकी है, तो सबका सोल्डर निकल दिया है। अभी देखिए कितने आसानी से ये हमारा कैपेसिटर निकल गया। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 1000 फेराड, 25 वोल्ट, देख लीजिए। सभी कैपेसिटर एक ही वैल्यू के हो गए। और मेरे पास कैपेसिटर पड़ा है, पहले एक कैपेसिटर लगा के देखेंगे, हो जाता है तो फिर तीनों लगा देंगे। तो ये रहा हमारे पास कैपेसिटर, 25 वोल्ट, 1000 फेराड। तो ये ड्यूल डायोड की तरफ हम पहले लगाते हैं, ये हमने कैपेसिटर लगा दिया है। अभी तो मैं इसको लूज ही लगाता हूँ, क्योंकि हम अभी टेस्ट ही कर रहे हैं
कैपेसिटर के कारण शॉर्टिंग हो रही थी या कुछ और प्रॉब्लम है, तो हमने लगा दिया है। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कैपेसिटर ये पोलर, इसका प्लस और माइनस देखना पड़ता है, नहीं तो ये कैपेसिटर ब्लो हो जाता है। और ये एक्स्ट्रा हम काट देते हैं। तो हमने काट दिया है, अब देखते हैं हमारा SMPS ठीक, पावर सप्लाई ठीक हुए हैं या नहीं। तो देख सकते हैं हमारा पावर सप्लाई ऑन हो गया है, और इसकी हम रीडिंग भी एक बार देख लेते हैं। और मेरे कैप ये इसकी पिन लूज हो गई है। तो देखिए हमारा पूरा 12 वोल्ट आ गया है। अब हम इसको भी अच्छे से लगा देंगे, और दो और कैपेसिटर लगाने हैं वो भी लगा देते हैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। तो ये रहे मेरे पास दूसरे दो कैपेसिटर, इसको भी हम इसी तरह से लगा देंगे। प्लस माइनस का आपको खास ध्यान रखना है जब भी आप SMPS रिपेयर करें। और SMPS रिपेयर करते वक्त मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, आप नए नए हो तो, अगर आपका ये फ्यूज ब्लो है तो 99% चांस है कि आपका प्राइमरी सेक्शन में कुछ तकलीफ है। और आपका ये फ्यूज ब्लो नहीं हुआ है तो आपके सेकेंडरी सेक्शन में तकलीफ है। तो ये मैं कैपेसिटर लगा देता हूँ, एक बार पोलारिटी चेक कर लेता हूँ फिर से। हाँ ये सही से लगाया है, और इसको भी सही से लगा देता हूँ। ये मैंने सोल्डर कर दिया, और इसको भी सोल्डर कर दिया, इसको भी कर दिया है, इसको भी कर दिया है। और ये थोड़ा लूज है, देख सकते हैं आपके इसके वायर, तो इसको मैं थोड़ा अंदर कर देता हूँ। अभी भी थोड़ा सही नहीं बैठा है, अच्छे से बैठ गया है इसको। ये हो गया है, इसको मैं एक्स्ट्रा लीड अप कट कर देता हूँ। तो ये हमने एक्स्ट्रा लीड कट कर दिए। चालू करने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है हमारा हो गया है। एक बार मैं फिर से आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा SMPS अच्छे से काम कर रहा है। तो ये तो मामूली प्रॉब्लम थी, और इससे भी ज़्यादा थोड़ी कठिन प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे SMPS में आती है। अगर मेरे पास ऐसा SMPS प्रॉब्लम वाला आता है तो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, जिससे आप सीख सकते हैं कि SMPS कैसे रिपेयर करे जाए। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलते हैं अगले वीडियो में।